ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले दो हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों से फैली चिंता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने बाकी देशों के मुकाबले कोरोना पर बेहतर नियंत्रण रखा है, लेकिन कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट किस तरह की गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं। पिछले कुछ महीने में इन वेरिएंट के मामले बढ़े हैं, ऐसे में हमें अलर्ट रहना होगा। पीएम मोदी ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि पिछले दो हफ्तों से मामले जो बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहना है। दो साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर मोर्चे पर जो आवश्यक है वो काम किया। यही कारण है कि तीसरी लहर में स्थितियां नियंत्रित होने की खबर नहीं आई। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केस देखे। हमारे सभी राज्यों ने इन्हें हैंडल भी किया, बाकी सभी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यानी इस लाइन से प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि इस बार भी चौथी लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां ऐसे ही चलती रहेगी। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।